वालेकुम प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नाना और नूरबी इसके मुसन्फ़ हैं सैयद जैद जमान हामिद और इसे आपके लिए पढ़ा मारिया जुल्फ़ार आवान ने पेशकश नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की इस किताब को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है इश्तियाक हुसैन शाह ने अगर आप भी किताबों के सिलसिले में हमसे ताउन करना चाहते हैं तो रहा कीजिए नंबर जीरो थ्री टू वन फोर थ्री फोर टू एट सिक्स सेवन सिफर तीन दो एक चार तीन चार दो आठ छ सात प्यारे बच्चों अगर आपको ये किताब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर ज्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को प्रेस करें और बहुत पसंद तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें समाज फरमाइए वाले पैगाम की इस तस्नीफ का मकसद कौम के बच्चों की रूहानी और जिसमानी तरबियत है वाले और पढ़ने के साथ साथ इसमें दी गई सरगर्मियाँ और इनको अमली सरगर्मियों के तौर पर इस्तेमाल करें बच्चों को साथ ले जाकर करवाना होगी ये सब कुछ और इस एबार से ये किताब बड़ों के लिए भी बच्चों की तरबियत का एक कीमती निसाब है और इसमें बच्चों के लिए ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जीने की हमत और रास समझाए गए हैं अल्लाह तला से दुआ है कि हमें अपनी अगली नस्लों की तरबियत इस अंदाज़ में करने की तोफीक अता फरमाए कि हमारे बच्चे पाक सरजमीन और उम्मत मुसलमा की जिम्मेदारियाँ उठाने के काबिल बन सकें और ऐसे भरपूर मुसलमान बने जो अल्लाह की पूरी मखलूक के लिए रहमत का बायस हैं। अल्लाह आपका और इस पाक सरजमीन का हामियों नासिर हो वसलाम, सैयद ज़ैद जमान हामिद, बारह मई दो हजार बाईस फरमाइए सैदो मुरशदी रसूल वसल्लम की खिदमत अकदस में हदिया इश्को अदब नूर बी की दोस्त गाय नाना मैंने दूध नहीं पीना मामा कह रही हैं कि दूध पियो नूर बी दूध की बोतल हाथ में लेकर नखरे करती हुई नाना के पास आई नाना ने नूर बी को मोहब्बत से गोद में उठाया अपने सर को नूर बी के सर से लगाया और प्यार से बोले मेरी जान की टुकड़ी अगर दूध नहीं पियोगी तो आप में नूर कैसे आएगा आप तो नूर भी हो और अल्लाह जानू ने तो दूध दूध बनाया है इसीलिए कि इससे छोटे बच्चों में ताकत आए बहुत सारा नूर आए और जल्दी से बड़े हो जाएं। आपको पता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दूध बहुत पसंद है नूर भी बड़े गौर से नाना की बातें सुनने लगी नाना मजीद बोले और क्या आप ये चाहती हैं कि गाय रोने लगे नूर भी हैरान होकर पूछने लगी कौन सी गाय रोएगी नाना नाना बोले आपको पता है दूध कहाँ से आता है नूरबी ने नफी में सर हिलाया नहीं नाना बोले दूर गांव में एक गाय रहती है और वो गाय हर रोज आपके लिए दूध भेजती है ताकि नूर भी इसको पिए अगर नूर भी ये दूध नहीं पिएगी तो गाय को बहुत अफसोस होगा और वो रोने लगेगी अगर आप ये दूध पी लेंगी तो फिर आपको लेकर इस गाय से मिलवाने जाऊंगा फिर आप खुद जाकर इस गाय को प्यार भी कीजिएगा और इसको कहिएगा कि आइंदा से वो जो भी दूध भेजेगी नूर भी इसको बहुत प्यार से पी लेगी हाँ बिल्कुल ठीक नूर भी खुशी से चिल्लाई नाना बोले हाँ नहीं जी कहते हैं अच्छा अब जल्दी से बोतल ख़त्म करें फिर हम गाय से मिलने चलेंगे फिर नाना नूरबी को गांव में गाय दिखाने के लिए ले जाते हैं शाम को नाना और नूरबी तैयार होकर करीबी गांव में गए जहां वो गाय रहती थी कि जो नूरबी के लिए दूध भेजती थी पहली मर्तबा नूरबी ने एक सचमुच की बड़ी सी गाय इतने करीब से देखी उसके माथे पर हाथ फेरा और उसको कहा प्यारी गाय आप रोना नहीं अब मैं सारा दूध खुद पी लिया करूंगी फिर नूरबी ने हाथ में थोड़ी सी घास पकड़ी और शुक्रिया के तौर पर गाय को खिलाई गाय के करीब ही उसका छोटा सा बच्चा भी खड़ा था नूरबी ने इसको भी प्यार किया इसके बाद नाना और नूरबी कुछ देर तक वहीं घूमते रहे नाना क्या सिर्फ गाय दूध देती है नहीं जानू अल्लाह ने बहुत से जानवर ऐसे बनाए हैं कि जिनका दूध हम पी सकते हैं मसलन गाय भैंस बकरी दुम्बी और ऊटनी फिर नाना नूरबी का हाथ पकड़कर इसे बकरियाँ और दुम्बे दिखाने ले गए नूरबी ने इनको भी प्यार किया और इन्हें भी खास खिलाई घर वापस पहुँचते ही नाना ने नूरबी से कहा जाएं जाकर हाथ धोकर आए क्योंकि जानवरों से खेलने की वजह से हाथों पर मट्टी और जरासीम लग जाते हैं जो इंसानों को बीमार कर सकते हैं नूरबी हाथ धोकर आई और जोर से मामा, मेरी दूध की बोतल समाज फरमाइए नाना और नूरबी नूर 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 ने चिड़ियों को खाना खिलाया नाना जल्दी से आए खाना पक गया है मामा बुला रही हैं आपको नूरबी उछलती कूदती नाना के कमरे में आई और हाथ पकड़कर खींचने लगी अपनी ऐनक संभालते जूता पहनते नाना ने नूरबी से कहा आ रहा हूँ जानू मगर ये तो बताओ कि मामा ने आज क्या पकाया है चावल बोटी शोरबा और आलू नूरबी ने चहकते हुए अपनी पसंद के खाने गिनवाए नाना जल्दी आए ना मुझे भूख लगी है नाना ने नूरबी को गोद में उठाया और बहुत फिक्रमंद होकर सवाल किया नूरबी आप खाना खा लेंगी और चिड़िया भूखी रहेंगी आपको चिड़ियों के रोने की आवाज आ रही है नूरबी का खुशी से तिमतिमाता चेहरा अचानक हैरानी और दुख का मंजर पेश करने लगा नाना कौन सी चिड़िया रो रही हैं और क्यों रो रही हैं? नाना की जान आप खाना खा लेंगी और चिड़िया भूखी रहेंगी आपने बाहर चिड़ियों को खाना खिलाया घर के बाहर दरख्तों पर बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं ना? वो इंतजार कर रही हैं कि नूर भी आए और हमें खाना दे वो इसलिए उदास बैठी हैं कि अभी तक आपने इनको खाना ही नहीं दिया और मुर्गियां भी उदास बैठी हैं कबूतर भी उदास बैठे हैं मैक्सी और मैक्सन और स्टोगर और स्ट भी उदास हैं कि नूरबी खुद खाना खा रही है और हमें नहीं दे रही हम और हमारे बच्चे भूखे हैं अब नूरबी की आंखों में छोटे छोटे आंसू झिलमिलाने लगे नाना मजीद बोले मेरी शहजादी हम मुसलमान हैं ना हजूर अक्रम सल वसलम ने हमें हुक्म दिया है कि खुद खाना खाने से पहले दूसरे भूखों को खाना खिलाओ ये ना हो कि आप पेट भरकर खाना खा लें और आपके हमसाय में लोग जानवर और चिड़िया भूखी रह जाए हम मुसलमान पहले दूसरों को खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं आओ जल्दी से चलें। पहले चिड़ियों मुर्गियों और कुत्तों को खाना खिलाते हैं इसके बाद हम मिलकर शोरबा और चावल खाएंगे चले नाना जल्दी चलें। नूर भी अब बात को समझ चुकी थी नाना चिड़िया क्या खाती है चावल और बोटी नाना हंस पड़े नहीं मेरी जान चिड़िया दाना खाती है मुर्गियां भी दाना खाती हैं और कुत्ते सब कुछ खा लेते हैं नाना ने बाजरे का एक थैला उठाया और नूरबी को साथ लेकर घर से बाहर आंगन में आ गए थैले को खोला और नूरबी के हाथ में देकर चिड़ियों की दाना खाने वाली रुकाबी में डालने लगे और फिर इसमें डालने को भी कहा नूरबी को नूरबी ने अपने हाथ से बाजरा रुकाबी में डाल दिया फिर नाना से पूछा नाना चिड़िया कब आएंगी खाने के लिए नाना बोले जानो जब हम कमरे के अंदर चले जाएंगे या जरा दूर हो जाएंगे क्योंकि चिड़िया छोटी सी होती है ना आप दाने के करीब खड़े हों तो वो डर जाती हैं और करीब नहीं आती हम खिड़की में से छुपकर इनको दाना खाते हुए देखेंगे मगर पहले मुर्गियों और कुत्तों को तो खाना डाल दें फिर नाना नूरबी के साथ मिलकर मुर्गियों को दाना डाला और मैक्सी मैक्सन, स्टोगर और टीटी के लिए दूध और रोटी खुशी से इनको खाना खाते देखती रही अब नाना ने नूरबी का हाथ पकड़ा और कहा चलो अंदर कमरे में चलकर खिड़की से देखते हैं कि चिड़िया कब अपना दाना खाने आती हैं नाना और नूरबी कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़े हो गए और थोड़ी ही देर में बहुत सारी चिड़िया बाजरे की रुकाबी के गिर्द जमा होकर चो चू करके बाजरा खाने भी लगीं और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाने लगीं नूरबी के चेहरे की खुशी और चमक देखने वाली थी इस खुशी में वो अपनी भूख भी भूल गई थोड़ी देर बाद नाना ने इसको प्यार से गोद में उठाया और कहा चलो अब हम खाना खाने चलते हैं मगर इससे पहले हमने एक काम और करना है हमने चौकीदार बाबा से पूछना है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं चौकीदार बाबा हमारे घर काम करते हैं ना? उनको पहले खाना खिलाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है फिर नूर भी नाना के साथ चौकीदार बाबा के पास गई और उनसे पूछा बाबा आपने खाना खा लिया मैं आपके लिए खाना लाऊं? फजल बाबा प्यार से बोले प्यारी नूरबी मैंने तो खाना खा लिया और अब चाय पीने लगा हूँ ये सुनकर नाना नूरबी से बोले मेरी जान अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब लोगों चिड़ियों और जानवरों ने खाना खा लिया है अब हम जाकर खुद खाना खाएंगे ये सुनकर नूर को अपनी भूख याद आ गई और खुशी से बोली चले नाना मैंने चावल और बोटी खानी है नाना बोले चलो मगर पहले हमने आपके हाथ धुलाने हैं हाथ धोए बगैर तो खाना नहीं खाते ना नाना ने नूरबी को गोद में उठाया और जोर से दबोच लिया और कान में आहिस्ता से समझाया मेरी जानू कभी ऐसा ना करना कि खुद पेट भरकर खा लो और आपके घर के आस पास लोग और जानवर भूखे हों जो आपके दरख्तों पर चिड़िया बैठती हैं ना जब आप इनको दाना और पानी देते हैं तो ये आपके लिए दुआ करती हैं और अल्लाह मियाँ और हजूर अक्रम सल वाल वसलम फिर आपको बहुत प्यार करते हैं और आप में बहुत सा नूर आ जाता है और फिर आप पूरी नूरबी बन जाती हैं खाने की मेज़ के गिर्द नानी ने थोड़े से चावल शोरबा और बोटी नूरबी की थाली में डाल दी नूरबी ने अभी हाथ बढ़ाया ही था कि नाना बोले जानू खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए क्या कौन पढ़ता है ये बल्कि ये बताओ कि खाने से पहले मुसलमान क्या पढ़ते हैं नूरबी ने एक लम्हे सोचा और जोर से बोली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाना ने फौरन दूसरा सवाल किया और खाना खत्म करके क्या पढ़ते हैं नूर झट से बोली अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश। नाना बोले अब खाना शुरू करो और बी ने मजे से खाना शुरू किया और मामा से कहने लगी मामा आपको पता है आज बहुत सारी चिड़ियों ने मेरे लिए दुआ की और मुर्गियों ने भी और मैक्सी ने भी हम्म अब मैं रोज खुद खाना खाने से पहले इन सब को खाना खिलाऊंगी समाज फरमाइए नाना और नूरबी ने उर्दू सीखी नूरबी शोर मचाते हुए कमरे में दाखिल हुई और सीधी नानी की गोद में जाकर छुप गई नानी मुझे बचाए नाना एक जिन बन गए हैं कह रहे हैं कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के कान खाने हैं वो मेरे कान खाने आ रही हैं। साथ ही नाना कमरे में दाखिल हुए और भारी सी आवाज बनाकर बोले मैं एक बड़ा सा जिन हूँ जो छोटे बच्चों के कान खा जाता हूँ मुझे एक छोटी सी बच्ची चाहिए कान खाने के लिए नानी ये सुनकर बेख्तियार हंस पड़ी और नूरबी को दबोच कर प्यार से पूछा नाना आपके कान क्यों खाना चाह रहे हैं आपने कोई शरारत की है नूरबी बोली नाना कहते हैं मुझसे उर्दू में बात करो मैंने नाना से कहा मेरे पास बहुत सारे बलून हैं रेड बलून येलो बलून ब्लू बलून ग्रीन बलून मगर नाना कहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही नानी बलून को उर्दू में क्या कहते हैं इतनी देर में नाना दोबारा जिन से नाना बन गए और नूरबी को प्यार से गोद में उठाकर बोले आओ चलो उर्दू सीखते हैं उर्दू हमारी जबान है जानू अगर उर्दू नहीं सीखोगी तो मजे मजे की कहानियों की किताबे कैसे पढ़ोगी और फिर नाना से कैसे बात करोगी और अगर नाना फिर से जिन बन गए तो नाना ने एक मर्तबा फिर नूर के कान खाने की नकल की ये सुनकर नूर भी एक दफा फिर शोर मचाने लगी नाना मेरे कान मत खाइएगा अच्छा मुझे सिखाए अब नाना और नूर भी कालीन पर बैठ गए और अपने दोनों हाथ अक्कड़ बक्कड़ खेलने के अंदाज में जमीन पर रख दिए अब नाना ने नूरबी से कहा चलो ये सारी उंगलियां गिनो नूर बी ने एक तरफ से अपनी उंगलियों को गिनना शुरू किया वन टू थ्री नाना फौरन बेरे उर्दू में जानू बी ने एक लम्ही सोचा और दोबारा शुरू किया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और मेरी उंगलियां भी नाना बोले नूर आगे चली ग्यारह बारह तेरा सोलह उन्नीस, बीस बी ने गिनती मुकम्मल करते ही कामयाबी का नारा लगाया और इससे आगे की गिनती नाना ने पूछा और नूर बी सोच में पड़ गई नहीं आती चलो मेरे साथ पढ़ो नाना बोले और फिर नूरबी ने नाना के पीछे ऊंची आवाज में बीस से आगे की गिनती याद करना शुरू कर दी इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस नाना ने नूरबी से कहा आपने सौ तक गिनती याद करनी है मामा और बाबा से कहें कि आपको याद कराएं। अगली दफा जब आप नाना के पास आएंगी तो नाना आपसे गिनती सुनेंगे और अगर गिनती नहीं सुनाई तो नाना एक दफा फिर जिन बन जाएंगे और आपके कान खा जाएंगे नाना ने ये कहकर नूरबी को दबोच लिया और गुदगुदी करने लगे नूरबी हंसते हुए नाना मैं याद कर लूंगी फिर नाना ने नूरबी से कहा जाओ अपने सारे गुब्बारे लेकर आओ हम इनके रंग भी याद करेंगे नूरबी भागती हुई और रंग बिरंगे गुब्बारों का पूरा गुच्छा उठा कर ले आई नाना ने एक गुब्बारा उठाया और नूरबी से पूछा इसका क्या रंग है उर्दू में बताएं ये देखते हुए नूरबी को उर्दू में रंगों के नाम नहीं आते नाना ने खुद ही सब रंगों के उर्दू में नाम बताना शुरू कर दिए ब्लू को नीला कहते हैं ग्रीन को सब्ज़ कहते हैं रेड को सुर्ख कहते हैं येलो को पीला कहते हैं पिंक को गुलाबी कहते हैं पर्पल को जामनी कहते हैं ब्लैक को काला कहते हैं वाइट को सफेद कहते हैं ऑरेंज को नारंगी कहते हैं नूर भी साथ साथ दोहराती रही और जल्द ही इसने सारे रंगों के नाम उर्दू में भी याद कर लिए थोड़ी देर बाद नूर भी सारे गुब्बारे हाथ में लेकर भागती हुई नानी के पास गई और बोली नानी देखें ये नीला गुब्बारा ये गुब्बारा ये सब्ज़ गुब्बारा ये पीला गुब्बारा और देखें मैं इनको गिन भी सकती हूँ एक दो तीन चार पांच नूरबी ने गिनती शुरू कर दी अब नाना जिन नहीं बनेंगे और मेरे कान नहीं खाएंगे नानी ने प्यार से नूरबी को सीने से लगाया और बोली अब मेरी बेटी पूरी उर्दू जबान सीखेगी जी नानी नूर ने नानी के गले में झूलते हुए वादा किया समाज फरमाइए नाना और नूरबी नूर 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 के प्यारे दरख्त नाना ये आप क्या कर रहे हैं नूर भी घर के दरवाजे से निकलकर आंगन में आई तो सामने नाना बड़ा सा झाड़ू लेकर दरख्तों से गिरे हुए पत्ते समेट रहे थे जानू नाना बोले रात को तूफान आया था ना बहुत सारे पत्ते टूटकर जमीन पर गिर गए अगर इस कचरे को साफ न किया तो घर गंदा लगेगा इसलिए सफाई कर रहा हूं अपना घर तो हमें खुद साफ करना चाहिए ना। नाना इन दरख्तों को कटवा दें ये गंदे दरख्त हैं। घर में पत्ते गिरा देते हैं नूरबी ने दरख्तों की शिकायत की क्यूँ नूरबी नाना ने फिक्रमंद होकर सवाल किया क्या आप चाहती हैं कि चिड़िया और उनके बच्चे रोने लगे उनके घर टूट जाएं? और वो बारिश में गीली हो जाएं? बीमार हो जाएं? और हम लोगों को धूप में साया भी ना मिले और हमने फल भी खाने को नहीं मिले और सारी हवा भी गंदी हो जाए नूरबी नाना की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई क्यों नाना अगर दर काट दिए तो इससे चिड़िया क्यों उदास होंगी? फल क्यों नहीं मिलेंगे हवा क्यों गंदी हो जाएगी नूरबी ने सवालों की कतार लगा दी अब नाना ने झाड़ू एक जानब रखा और नूरबी को प्यार से गोद में उठाया और जोर से दबोच कर बोले आओ मेरी गुड़िया मैं दिखाता हूँ नाना ने नूरबी को गोद में उठाते हुए दरख्तों के बीच एक घोंसले की जाने इशारा किया और पूछा आपको पता है कि इस खास और तिनकों के घर में कौन रहता है नूरबी अब हैरानी से इस घोंसले को देखने लगी नहीं नूरबी ने जवाब दिया नाना ने फिर घर की दीवार पर बैठी चिड़िया की जाने इशारा किया और कहा ये इस छोटी सी चिड़िया का घर है और इसमें इसके बच्चे रहते हैं अगर दरख्त काट देंगी आप तो ये चिड़िया और इसके बच्चे तो बहुत रोएंगे आप सोचें जिस घर में आप रहती हैं अगर आकर कोई इस घर को गिरा दे तो फिर आप कहाँ रहेंगी अब नूरबी की आंखें डबडब आने लगी इसे पहली मर्तबा दरख्त की अहमियत का अंदाजा होने लगा था नाना मजीद बोले ये जितनी भी चिड़िया है ना मीनाएं हैं बुलबुलें हैं फाख्ताएं हैं कौवे हैं चीले हैं ये जो इतने सारे प्यारे प्यारे परिंदे अल्लाह ने हमारे घरों के आस पास रखे हैं ना जिनको आप दाना खिलाती हैं वो सब इन्हीं दरख्तों पर तो अपना घर बनाते हैं ये सारे दरख्त अल्लाह ने इन परिंदों के घर बनाए हैं इसके अलावा प्यारी-प्यारी गुलेहरियां भी तो درخت पर ही रहती हैं बंदर भी درخت पर रहते हैं और درختों पर ही तो खेलते हैं नाना मजीद बोले और आपको पता है जब सूरज की धूप बहुत तेज हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तब इंसान जानवर और चिड़िया सब درختों के साए में आकर बैठते हैं आपको याद है ना जब हम बाग में गए थे तो आप भी नाना के साथ दरख्तों के नीचे बैठी थी नूरबी अब बहुत गौर से नाना की बातें सुन रही थी नाना नूरबी को गोद में उठाए दरख्तों के गिर्द चक्कर लगाने लगे ये देखो इस तरफ पर कौन सा फल लगा हुआ है नूरबी ने गौर से देखा और जोर से बोली शहतूत नाना बोले आपको शहतूत पसंद है ना ये प्यारा सा दर आपके लिए शहतूत भेजता है अब नूरबी है दरख्त पर लगे बहुत सारे शहतूतों को देखने लगी अब नाना दूसरे दरख्त के नजदीक आए और नूरबी से सवाल किया आपको आडू पसंद है ना? नूरबी बोली जी नाना नाना ने दरख्त की जानेब इशारा किया और बोले ये आड़ू का दरख्त है थोड़े दिनों के बाद ये दरख्त आपके लिए आड़ू भेजेगा और ये आलू बुखारे का दरख्त है और ये आम का दरख्त है और ये अनार का दरख्त। नाना ने तरतीब से सारे दरख्तों का तारुफ करवाना शुरू किया मगर इन पर आड़ू आलू बुखारा आम और अनार तो लगा ही नहीं सिर्फ शहतूत ही लगा हुआ है नूरबी ने नाना से शिकायत की नाना हंस पड़े बोले मेरी शहजादी अल्लाह ने सारे दरख्तों और पौधों को इसी तरह बनाया है कि ये बारी-बारी आपको फल भिजवाते हैं ताकि आप सारा साल मजे मजे से फल खाते रहें अभी आप शहतूत खाएं कुछ दिनों के बाद आड़ू भी आ जाएंगे तेज गर्मी में आम और तरबूज आ जाएंगे और फिर अंगूरों का मौसम आएगा ओ नूरबी ने हैरानी से नारा लगाया जैसे दिमाग की पत्ती जल गई हो नाना मुझे फूल बहुत पसंद है नाना क्या स्ट्रॉबेरी भी दरख्तों पर ही लगती है नहीं जानू बहुत सारे फल दरख्तों पर लगते हैं। बहुत सारे फल जमीन पर बेलों पर और बहुत सारे झाड़ियों पर स्ट्रॉबेरी भी जमीन पर लगती है अल्लाह ने इसी तरह दरख्तों और पौधों में आपके लिए मजे मजे के फल और सब्जियां रखी हैं फिर नाना ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया कि जिस पर पीले रंग के बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे और नूरबी से बोले और ये देखो बहुत से दरख्तों पर रंग बिरंगे फूल लगते हैं जिससे आपका घर और शहर इतना खूबसूरत लगने लगता है नूर भी, भी हैरत और खुशी से दरख्त पर लगे फूलों के गुच्छों को देखने लगी अब मुझे बताओ मेरी जानू नाना ने नूर नूरबी से सवाल किया क्या ये दरख्त कटवा दू पत्ते गिरा कर कचरा कर देते हैं ना है ना ऐसा ही है नहीं नूर नूरबी चीख उठी नाना दरख्त नहीं काटने चिड़िया रोने लगेंगी इनके घर टूट जाएंगे और इनको गर्मी में धूप भी लगेगी और वो बारिश में गीली हो जाएंगी और फिर नूरबी को फल कैसे मिलेंगे खाने के लिए? जब नाना ने यह देख लिया कि नूरबी को बात समझ आ गई है तो मजीद बोले आपको पता है अगर दरख्त कट जाए तो सब इंसान भी मर जाए हम लोग जिंदा इसीलिए हैं कि अल्लाह ने दुनिया में दरख्त बनाए हैं अब नूरबी के चेहरे पर खौफ और हैरानी के मजीद सात कट गए तो हम सब कैसे मर जाएंगे? जानो हम सब जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं ना हवा हमारे सीनों में जाती है हम ऑक्सीजन की वजह से सांस लेते हैं अगर किसी की ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो वो मर जाता है नाना ने आसान अल्फाज में बी को समझाने की कोशिश की और आपको पता है कि ये दरख्त हमारे लिए ऑक्सीजन भी बनाते हैं हवा को भी साफ करते हैं और इसी की वजह से सब इंसान और जानवर जिंदा रहते हैं नाना ने बात मुकम्मल की अब नूरबी के चेहरे पर हैरानी थी मगर वो बात समझ गई थी फौरन बोली नाना ये दरख्त तो हमारे दोस्त हैं। और ये कहकर उसने एक दरख्त के गिर अपने बाजू लपेट दिए जैसे से प्यार कर रही हो नूर बी नूर जानू आपको एक बात बताऊं आपको मालूम है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने हम मुसलमानों को हुक्म दिया है कि बहुत सारे दरख्त लगाया करो जो लोग दरख्त लगाते हैं अल्लाह जानू उनसे बहुत प्यार करते हैं और सारी चिड़िया दुआ करते हैं नूर भी अब बहुत गौर से सुन रही थी बोली, नाना, क्या मैं भी एक दरख्त लगा सकती हूँ मुझे आम बहुत पसंद है मैंने आम का दरख्त लगाना है नूर भी नाना का हाथ पकड़कर झूलने लगी नाना हंस पड़े हा मेरी जान क्यों नहीं मैं आपको लेकर चलूंगा हम पौधे बेचने वालों के पास चलेंगे वहां से सब फलों के दरख्त खरीद कर लाएंगे और फिर आप घर में सबको लगा दीजिएगा थोड़े अरसे के बाद ये दरख्त नूर बी के लिए बहुत सारे फल भेजेंगे आप बल्कि दरख्त से यही तोड़ कर खा लीजिएगा ठीक जी नाना नूरबी खुशी से उछलने लगी और नाना को खेचते हुए बोली नाना चलेना खरीदने समाज फरमाइए नाना ना और नूरबी नूर ने अच्छे खेल खेले नाना कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे थे कि अचानक नूरबी दौड़ती शोर मचाती कमरे में दाखिल हुई और नाना का हाथ पकड़कर खेचने लगी नाना मुझे टीवी लगा कर दे मैंने कार्टून देखने हैं नाना ने किताब बंद की और प्यार से नूरबी को पकड़ कर दबोच लिया जानो कार्टून क्यों देखने हैं आपको और इन कार्टूनों से आप कौन सी अच्छी बात सीखती हैं? इतनी देर बैठकर कार्टून देखती हैं? ये तो सिर्फ वक्त जाया करने वाली बात है नहीं नाना कोई मेरे साथ नहीं खेल रहा मैं उदास हो रही हूँ मामा ने मुझे पढ़ाई भी करा दी अब मैंने कार्टून देखने हैं नूर भी सिद्ध करने लगी मेरी जानू नाना बोले आपको पता है कि हजूर अक्रम सर होले वाले वाली वसल्लम ने हम मुसलमानों को ये भी बताया है कि कौन से खेल खेलने चाहिए और जो खेल हजूर अक्रम वसल्लम ने बताए हैं, अगर आप वो खेल खेलेंगी तो आप ताकतवर भी होंगी आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी और अगर कोई मुश्किल वक्त आया तो आप अपनी हिफाजत भी कर सकेंगी हैं, नाना नूर भी हैरान सी हो गई। नाना ने नूर बी को हैरान देकर मजीद सवाल किया क्या आपको मालूम है वो खेल कौन से हैं? जिनका हमें हुक्म दिया गया है कि अपने बच्चों को सिखाए नहीं नूरबी ने नफी में सर हिलाया मेरी जान जो मुसलमान बच्चे होते हैं ना वो फजूल कामों में वक्त जाया नहीं करते वीडियो गेम्स और कार्टून सिर्फ वक्त जाया करते हैं हमें दुनिया में बहुत काम करने हैं पाकिस्तान की हिफाजत करनी है दूसरों की खिदमत करनी है इन सब चीजों के लिए हम खेल भी वही खेलते हैं जिससे हमें ताकत मिले और हजूर अक्रम वसल्लम ने भी हमें यही खेल खेलने का हुक्म दिया है नाना मजीद बोले आपको पता है की हजूर अक्रम वसल्लम ने सब मामा बाबा को कहा है कि अपने बच्चों को घोड़ा चलाना सिखाओ पानी में तैरना सिखाओ तीर कमान सिखाओ और ऐसे खेल खेलो जिससे सेहत अच्छी हो। अब नूर भी को समझ में बात आ रही थी इसके चेहरे पर खुशी और हैरानी के तासुरात नजर आ रहे थे नाना मुझे घोड़ा बहुत अच्छा लगता है मैंने घोड़ा चलाना है और बाबा मुझे एक दफा तालाब में ले गए थे और मैंने पानी में खेला था और बाबा मेरे लिए तीर कमान भी लाए थे मगर वो टूट गया नाना अब उठकर जूते पहन चुके थे और नूरबी का हाथ पकड़कर बोले आपको घोड़ा चलाना भी सीखना है साइकिल चलानी भी सीखनी है और गाड़ी चलाने भी जब आप बड़ी हो जाएंगी नाना आपको साइकिल चलाना भी सिखाएंगे और घोड़ा चलाना भी और नाना और नूर भी मिलकर फुटबॉल भी खेलेंगे ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और जब गर्मियां आएंगी तो हम तालाब में जाकर तैरना भी सीखेंगे और जब आप थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तो आपको तीर कमान और बंदूक चलाना भी सिखाएंगे नाना की बात सुनकर नूर भी खुशी से उछलने लगी नाना अब भी चले मैंने साइकिल चलानी है और घोड़ा चलाना है अच्छा बाबा अच्छा हा, हा, हा। नाना हंस पड़े अब भी चलते हैं। थोड़ी देर बाद नाना और नूर भी घर के करीब एक अस्तबल में गए कि जहाँ पर बच्चों को घुड़सवारी की तरबियत दी जाती थी घोड़े पर बैठने से पहले हर बच्चे के लिए जरूरी था कि वो सर पर हिफाजती खुद पहने और फिर इसलिए कि गिरने की सूरत में सर पर कोई चोट ना लगे नाना ने तफसील से पहले नूरबी को घोड़े पर बैठने का तरीका बताया हिफाजती खुद पहन लिया और नूरबी के लिए प्यारा सा घोड़ा पसंद करके नूरबी को इस पर बिठा दिया नाना मुझे डर लग रहा है इतने ऊंचे घोड़े पर बैठकर नूरबी घबरासी गई अब घोड़े के साई ने इसकी लगाम पकड़कर इसे आहिस्ता आहिस्ता चलाना शुरू कर दिया वहां पर और भी कई बच्चे घोड़ों पर बैठकर कर घोड़ सवारी सीख रहे थे इनको देखकर नूरबी का डर भी निकल गया और वो मजे मजे से घोड़े पर सवारी करने लगी नाना भी थोड़े फासले पर खड़े होकर नूरबी को देखते रहे थोड़ी देर के बाद जब नूरबी की बारी खत्म हुई तो नाना ने नूरबी को घोड़े से उतार कर अपनी में उठा लिया। मजा आया नाना ने ने मुस्कुराकर पूछा। बहुत ज़्यादा। हाथ उठाकर नारा लगाया अच्छा अब घोड़े को प्यार करो और उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको इतनी अच्छी सवारी कराई अगली दफा इसके लिए मीठा गुड़ लेकर आना घोड़ों को गुड़ बहुत पसंद होता है और जो इनको गुड़ खिलाता है घोड़े उससे पक्की दोस्ती कर लेते हैं नाना ने घोड़े पर बैठने के आदाब नूरबी को सिखाए अब नूरबी बहुत खुश थी नाना हम यहां रोज आएंगे ये घोड़ा मेरा दोस्त बन जाएगा ना जी जानू जो जानवरों से प्यार करता है जानवर भी उससे प्यार करते हैं नाना ने नूरबी को तसली दी घर वापस पहुंचकर नूरबी ने पहले हाथ धोए और नाना इसे लेकर दोबारा घर से बाहर निकले ताकि इसे साइकिल चलाना सिखाएं। साइकिल थोड़ी बड़ी थी इसलिए नाना ने पकड़ कर नूरबी को इस पर बिठाया और सड़क पर सैर कराने लगे आपको पता है नूरबी नाना बोले जो बच्चा एक मरतबा साइकिल चलाना और तैराकी करना सीख लेता है फिर सारी जिंदगी नहीं भूलता इन थोड़े दिनों में आप घोड़ा चलाना भी सीख लेंगी और साइकिल चलाना भी और गर्मियों में तैरना भी नाना मुझे अपनी साइकिल चाहिए नूर भी जिद करने लगी हाँ मेरी जानू आपको साइकिल लेकर दूंगा मगर पहले आपने बड़ों के साथ, साथ साइकिल चलाना सीखनी है और हमेशा सर पर हिफाजती टोपी पहननी है नाना ने वादा किया फिर नाना एक छोटा सा फुटबॉल भी लेकर आए और नूरबी से कहा आओ अब हम मिलकर फुटबॉल खेलते हैं नाना नूरबी चप्पल में ही बाहर भागने लगी रुको नाना ने आवाज लगाई नूरबी जानो जब भी आप बाहर खेलने जाएं, खेलने के जूते पहन कर जाए वरना पांव जख्मी हो जाते हैं कभी चपलों में या नंगे पाव खेलने बाहर नहीं जाते अब नाना ने नूरबी को जूते पहनाए फुटबॉल उठाया और दोनों घर के बाहर फुटबॉल खेलने निकल गए नूरबी ने खूब जोर जोर से गेंद को ठोकरें लगाई और इतनी भाग दौड़ की कि इसके पसीने निकल आए और वो खूब थक गई नाना और नूरबी जब घर खेलकर वापस दाखिल हुए तो दोनों ही पसीने पसीने थे और उन्हें खूब प्यास लग रही थी नाना मैं तो थक गई बी ने बिस्तर पर गिरते हुए आवाज निकाली। बी की हालत देखकर नाना हंस पड़े हा हा। जानू मुझे ये बताओ आपने आज घोड़े पर सवारी की आपने साइकिल चलाना सीखी आपने नाना के साथ फुटबॉल खेला आपको कितना मजा आया बहुत ज्यादा बी ने एक बार फिर हाथ ऊपर करके नाना को यकीन दिलाया अगर आप सारा वक्त कार्टून देखकर कर जाया कर देती हैं, तो ना आप कोई चीज सीखती ना आपको इतना मजा आता और ना आपकी सेहत अच्छी होती ये वीडियो गेम खेलने और कार्टून देखने से अच्छा नहीं है नाना ने बी को मजीद नसीहत की मेरी जानू अल्लाह ने ये जिंदगी हमें जाया करने के लिए नहीं दी या पढ़ाई करो या घर के काम में मामा की मदद करो या ऐसे खेल खेलो जिनसे आपकी सेहत भी ठीक हो और जिनका हमको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है इतनी देर में नूरबी की मामा का चावल और शोरबा लेकर नूरबी को खिलाने के लिए आ गई और बोली जल्दी से खाना खा लो और फिर सोचो कल आपने नाना के साथ साइकिल लेने जाना है नूरबी ने ये सुनकर खुशी का नारा लगाया और बोली और घोड़े पर सवारी भी करनी है समाज फरमाइए नूरबी ने अल्लाह जानू से बातें की नाना मुझे अपना फोन दे नूरबी ने रोने वाली शक्ल बनाती तकरीबन दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई और नाना के हाथ से उनका फोन खेचने लगी क्या हो गया है मेरी जान क्यों इतनी परेशान हो क्या करना है फोन का कार्टून देखने हैं नाना ने नूरबी को खेच के अपने नजदीक किया और सीने से लगाकर बहुत सारे सवाल किए नहीं मैंने कार्टून नहीं देखने नूरबी ने अभी तक रोने वाली शक्ल बनाई हुई थी मैंने अल्लाह जानू को फोन करना है नूरबी की बात सुनकर नाना की बेख्तियार हंसी निकल गई नूरबी को अपने सामने खड़ा करके प्यार से पूछा हा हा हा, मेरी शहजादी आपने अल्लाह जानो को क्यों फोन करना है क्या बात करनी है नाना मुझे खिलौने चाहिए मुझे गुड़िया चाहिए मुझे गुड़िया का घर चाहिए मुझे अपना तीर कमान चाहिए मैं मामा से कहती हूँ तो वो कहती है जाकर अल्लाह मियाँ से मांगो अल्लाह हमें पैसे भेजेंगे फिर मैं आपको खिलौने लेकर दूंगी अल्लाह पैसे क्यों नहीं भेज रहे मामा को? आप मुझे फोन लगा कर दें, मैं अल्लाह जानू से खुद बात करूंगी। नाना चेहरे पर मुस्कुराहट लिए प्यार भरी नजरों से नूरबी को देखते हुए उसकी बातें बड़े गौर से सुनते रहे फिर बोले आपको पता है कि अल्लाह जानू से बात करने के लिए आपको फोन की ही जरूरत नहीं आप हर बात तो वो आपकी वैसे ही सुन लेते हैं जैसे आप कहती हैं कैसे नाना नूर की तवज्जा अब फोन से हटकर नाना की जानब मतवजा हो गई थी अल्लाह जानू से कैसे बात करते हैं नाना ने नूर बी की तवज्जा अपनी जानब देखी तो प्यार से समझाने लगे आपको पता है ना अल्लाह जानू ने पूरी दुनिया को बनाया है सूरज चांद और सितारों को बनाया है सारी चिड़िया और जानवरों को बनाया है नूरबी की दोस्त गाय को बनाया है हम सब इंसानों को बनाया है मामा और बाबा को बनाया है नाना और नानी को बनाया है और नूरबी को भी बनाया है नाना ने ये कहते हुए नूरबी को गुदगुदी की नूरबी गुदगुदी से हंस पड़ी और मचलते हुए नाना से बोली नाना बताए ना मैं अल्लाह जानू से कैसे बात करूं बता रहा हूं ना थोड़ा सब्र करो नाना बोले जानू जब अल्लाह मिया इतने ताकतवर हैं इतने बड़े हैं तो वो नूर बी के दिल में जो भी बात है उसको भी जानते हैं आपके दिल में जो भी बात है या आप अपनी जुबान से कुछ भी कहती हो अल्लाह जानू उसे सुन लेते हैं मगर अल्लाह जानू से बात करने का एक तरीका होता है आओ मैं आपको वो तरीका बताऊं। अब नाना ने नूरबी को अपने साथ बिठा लिया आपने नाना और नानी को नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करते देखा है नाना ने नूरबी से सवाल किया जी नाना नूरबी ने असबात में सर हिलाकर जवाब दिया आपको पता है कि दुआ मांगते वक्त नाना क्या कर रहे होते हैं? नाना ने अगला सवाल किया नहीं नाना की दफा नूरबी ने नफी में जवाब दिया नाना अल्लाह मिया से बातें कर रहे होते हैं अल्लाह मिया से बातें करने के लिए आपको मोबाइल फोन नहीं चाहिए होता सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठाने पड़ते हैं नाना ने दुआ के अंदाज में हाथ उठाकर कर नूरबी को समझाया ओ नाना जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह जानू से बात कर रहे होते हैं नूर बी को जैसे एक नई बात पता चली हो जी मेरी जान हमने जब भी अल्लाह जानू से बात करनी होती है कोई चीज मांगनी होती है कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए सेहत मांगनी हो कोई परेशानी आ जाए कोई चीज गुम हो जाए कोई नुकसान हो जाए या अल्लाह जानू हमें कोई तोहफा दे तो हर मौका पर हम मुसलमान अल्लाह जानू से बात करते हैं शुक्र अदा करते हैं अल्लाह की तारीफ करते हैं अपनी गलतियों पर अल्लाह से मुआफी मांगते हैं और ये सब हम दुआ में करते हैं नाना ने एक बार फिर दुआ के अंदाज में हाथ उठाया और एक बात और नाना मजीद बोले आपको पता है ना अल्लाह जानू को हजूर अक्रम सल वसलम से बहुत ज्यादा प्यार है और अल्लाह जानू ने हमें कहा है कि जब भी तुम कोई चीज मांगने के लिए मुझसे दुआ करो तो पहले हजूर अक्रम वसल्लम को तोहफे भेजो अब नूर भी बहुत हैरान हो गई थी नाना हजूर अक्रम वसल्लम को कैसे तोहफे भेजे मेरी जानू नाना प्यार से बोले आपको मामा ने दरुज शरीफ शाद कराया है ना सुनाए नाना के कहने पर ऊंची आवाज में बी ने दरुद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया सल्ले अला वारिक व व बारिक सलिम शाबाश मेरी जान की टुकड़ी नाना ने दरूद शरीफ के मुकम्मल होते ही नूर बी भी को भींच कर सीने से लगाया और उसके सर पर प्यार किया आपको पता है कि ये जो दरूद शरीफ है ना हजूर अक्रम सलम के लिए आपका तोहफा है जब आप दरूद शरीफ पढ़ती हैं तो बहुत सारे फरिश्ते आते हैं और आपका ये दरूद शरीफ लेकर हजूर अक्रम सल वसलम के पास जाते हैं और हजूर अक्रम सल्ह को बताते हैं कि ये तोहफा नूरबी ने भेजा है फिर हजूर अक्रम वसल्लम बहुत खुश होते हैं और फिर अल्लाह जानू और फरिश्ते नूरबी के ऊपर बहुत सारा नूर और बरकत भेजते हैं और फिर सर भी नूरबी से बहुत प्यार करते हैं और फिर जब नूरबी अल्लाह जानू से कोई चीज मांगती है तो फिर अल्लाह जानू उसको दे देते हैं लोना है अब नूरबी को बात सारी अच्छी तरह से समझ आ गई थी तो मुझे खुलौने जो चाहिए और गुड़िया चाहिए तीर कमीन चाहिए तो अगर मैं दरोज शरीफ पढ़ू तो फिर अल्लाह जानू से दुआ करूँ तो वो मुझे दे देंगे ना नूरबी ने उम्मीद के साथ नाना से सवाल किया नूरबी मुझे ये बताओ मामा और बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं नाना और नानी आपसे कितना प्यार करते हैं नाना ने जवाब देने की बजाय उल्टा नूरबी से सवाल करती है नूरबी ने हाथ के इशारे से प्यार की वसत समझाने की कोशिश की मगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मामा और बाबा से कोई चीज मांगती हैं और वो आपको नहीं देते क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं होती जैसे उस दिन आपका गला खराब था और आप आइसक्रीम के लिए जिद कर रही थी लेकिन मामा ने आपको नहीं दी अब बड़े गौर से नाना की बात सुन रही थी मामा बाबा आपसे प्यार करते हैं इसीलिए आपको वो चीज नहीं देते जो आपको तकलीफ पहुंचाए जिससे आप बीमार हों या फिर आपको टीका लगे इसी तरह अल्लाह जानू भी हैं जो ना मामा हैं और ना बाबा और उससे भी ज्यादा प्यार करते हैं आपको नाना और नानी से भी ज्यादा आपको प्यार करते हैं पूरी दुनिया से ज्यादा आपको प्यार करते हैं तो अगर आप छोटे बच्चे कोई ऐसी चीज मांगे जिससे उनको नुकसान पहुंच जाए चोट लग जाए तकलीफ हो जाए तो फिर अल्लाह जानू वो चीज बच्चों को नहीं देते नाना ने तफसील से दुआ की हिकमत समझाई आपका काम है अल्लाह जानू से दुआ मांगना और अल्लाह ने जो चीजें आपको दी हैं उन पर खुशी से शुक्र करना अल्लाह जानू ने ही आपको मामा और बाबा दिए हैं नाना और नानी दिए हैं इतनी अच्छी सेहत दी है इतने अच्छे कपड़े और खाने की मजे मजे की चीजें और इतना प्यारा घर दिया है साइकिल दी है लेने दिए हैं और आपको मुसलमान बनाया है आपको पाकिस्तान में भेजा है इन सब बातों का शुक्रिया तो करना होता है ना जानू जब आपको कोई तोहफा देता है तो आप इसका शुक्रिया शुक्रियादा करते हैं या नहीं नाना ने नूर बी को लहताला के एहसानात गिनवाना शुरू किए फिर नाना ने नूर बी के हाथ पकड़े और दुआ के अंदाज में ऊपर उठाते हुए बोले आओ अब पहले रीफ पढ़ते हैं फिर अल्लाह जानू से दुआ करेंगे फिर आखिर में दोबारा दरुद शरीफ पढ़ेंगे और फिर आमीन करेंगे नाना ने चेहरे पर दोनों हाथ आमीन के अंदाज में फेर कर नूरबी को दुआ का सही तरीका समझाया जो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी अल्लाह जानो वो आपके लिए भेज देंगे और जो चीज आप के लिए नुकसानदेह होगी वो अल्लाह जानू नहीं भेजेंगे आपने हर हाल में खुश रहना है रोना नहीं जिद्दी बच्चा नहीं बनना नाना ने दुआ की सारी हमत नूरबी को समझाई चलो अब बैठो और दुआ करते हैं नाना और नूरबी ने दुआ के लिए हाथ उठाए फिर नाना ने नूरबी को नमाज में पढ़ाए जाने वाला द्रोदे इब्राहिमी सिखाना शुरू कर दिया समाज फरमाइए नाना और नूरबी, भी।, नूर भी और ऊंट बहुत अच्छा था हल्के हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी नाश्ते के बाद नाना ने घर के आंगन में बेलों की छांव में कुर्सी डाली और किताब लेकर बैठ गए नाना को किताब पढ़ते थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजा खुला और नूर भी उछलती कूदती मगर शकल पे जरा सी कोफ्त लिए बरामद हुई और आते ही नाना को एक टक्कर सी मारी और बोली नाना मुझे कहीं जाना है घर में सब लोग अपना काम कर रहे हैं कोई मुझसे नहीं खेल रहा मैं उदास हो गई हूँ ये सुनते ही नाना ने किताब बंद की और बहुत ही प्यार और शफकत से नूरबी को अपने बाजुओं में दबोचा और उठाकर गोद में बिठा लिया और फिर शरारत से बोले अगर आप उदास हो रही हैं तो नाना जिन बनकर आपका कान खा लेते हैं या हम मुर्गियों और चिड़ियों को दाना डालते हैं या फिर आपको ऊंट की कहानी सुनाता हूँ सुनकर नूरबी के कान खड़े हो गए नाना ये ऊंट क्या होता है नाना ये सवाल सुनकर हंस पड़े जोर से नूर बी को सीने से लगाया और प्यार से पूछा ओ मेरी चांद आपने कभी ऊट नहीं देखा अच्छा ऐसा करते हैं कि पहले मैं आपको ऊँट की कहानी सुनाता हूँ और फिर हम चलेंगे ऊँट से मिलने आपने गाय भी देखी है जो आपकी दोस्त है आप बकरियों और दमो से भी मिली हैं। इसी तरह एक बड़ा सा जानवर ऊट भी होता है लोग इस पर सवारी भी करते हैं इसका दूध भी पीते हैं इसका गोश्त भी खाते हैं और हाँ इसकी खाल से अपने लिए लिबास भी बनाते हैं अल्लाह जानू ने नूर भी जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारे जानवर बनाए हैं ना ये सुनकर नूर भी खुश हो गई उसकी सारी उदासी दूर हो गई और वो चहकते हुए बोली ठीक नाना पहले आप मुझे ऊंट की कहानी सुनाएं, फिर हम ऊंट से मिलने जाएंगे अब नाना ने एक और कुर्सी खींची और नूरबी को सामने बिठा लिया और कहानी शुरू की ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसे अल्लाह ने खास तौर पर रेगिस्तानों के लिए बनाया है यानी वो जगह जहाँ बहुत ज्यादा रेत और गर्मी होती है और पानी कम मिलता है अगर एक दफा पेट भर कर पानी पी ले तो कई दिन तक बगैर पानी रह सकता है ये दुनिया का कोई और जानवर नहीं कर सकता। आप दिन में कितनी दफा पानी पीती हैं? नाना ने नूरबी को गुदगुदाते हुए सवाल किया अब नूरबी के चेहरे पर हैरानी के तासरात थे नाना मैं तो बहुत पानी पीती हूँ मुझे तो बहुत प्यास लगती है जब मैं खेल कर नाना बोले मेरी जान की टुकड़ी अल्लाह जानू हर चीज बना सकते हैं इसीलिए रेगिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए अल्लाह जानू ने खास तौर पर इस जानवर को पैदा किया है आपको पता है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं जैसे आप हर जगह जाने के लिए गाड़ी इस्तेमाल करती हैं ना साइकिल चलाती हैं। इसी तरह जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं वो ऊंट पर आते जाते हैं आपको पता है ना? रेगिस्तान में पानी भी बहुत कम होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए अल्लाह ज़ानू ने ऊँट को ऐसे पाँव दिए हैं जो नरम रेत में चल सकें ऐसी आँखें दी हैं जो रेत के तूफ़ान में भी देख सकें और इसके जिस्म के अंदर ऐसा निज़ाम रखा कि वो पानी जमा कर सकता है इसलिए बगैर पानी पिए रेत और गर्मी में बहुत दूर तक चल सकता है नूर भी से सुनती रही। नाना मजीद बोले आपको पता है ना हमारे प्यारे नबी हजूर अक्रम सल वसल्लम मक्का और मदीना में रहते थे और ये इलाके गर्म और रेगिस्तानी हैं इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंट इस्तेमाल होते हैं हजूर अक्रम सली वसल्लम को भी ऊँट की सवारी बहुत पसंद थी और आप सल्ह वसल्लम ने बहुत दफ़ा ऊँट पर सफ़र भी किया है हजूर अक्रम सली वसल्लम की बहुत ही प्यारी ऊँटनी थी और उसका नाम कस्बा कस्बा था उसका नाम इसी पर बैठ कर हजूर अक्रम मक्का से मदीना हिजरत की थी नूरबी ने जैसे ही ये सुना वसल्लम हजूर अक्रम भी उठनी थी तो फौरन शोर मचा दिया नाना मुझे भी अपनी ऊँटनी चाहिए नाना ये सुनकर बेख्तियार हंस पड़े और बोले हो मेरी जानू आपने देखा भी है कि कितना बड़ा होता है नूरबी ने नफी में सर हिलाया नाना बोले अच्छा तैयार हो जाओ हम चलते हैं ऊंट से मिलने फिर आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा होता है और क्या आप इसको अपने घर में रख सकती हैं? आपने तो बकरी का बच्चा अपने घर में रखा हुआ है वो तो बहुत छोटा होता है और आप इसे गोद में भी उठा लेती हैं। मगर आपको पता है ऊंट कितना बड़ा होता है थोड़ी देर बाद नाना ने गाड़ी निकाली और नूरबी को साथ लेकर करीब ही बड़ी सड़क की जानब रवाना हुए कि जहां पर अक्सर खाना बदोश अपने ऊंटों के साथ खड़े होकर उनका दूध फरोख करते थे थोड़ी ही देर में नाना और नूरबी को एक और ऊंट मिल गया नाना ने करीब ही गाड़ी लगाई और नूरबी को लेकर उतरे नूरबी ने जैसे ही इतने बड़े ऊंट को देखा तो एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर खौफ और फिर हैरानी वाज़े नजर आने लगी आज तक नूरबी ने कभी इतना बड़ा जानवर इतने करीब से नहीं देखा था नूरबी की हैरानी देखकर नाना मुस्कुरा दिए और बी से कहा आओ ऊंट को प्यार करो मगर अब नूरबी जरा खौफ जदासी हो गई और नाना से चिपक गई नाना ने नूरबी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर ऊँट के करीब चले गए ऊँट के मालिक से कहा तो उसने ऊंट को पकड़कर नूरबी के करीब कर दिया नाना ने नूरबी को गोद में उठा लिया ताकि वो ऊंची हो जाए और फिर नूरबी ने प्यार से ऊंट की टाँगों और सर पर हाथ फेरा और हैरानी से इतने बड़े जानवर को देखती रही क्यों नूरबी जानू घर में ऊंट रखना है या बकरी का बच्चा बी ने ऊंट का कद देखते ही फौरन नाना से कहा नाना हम सिर्फ बकरी का बच्चा रखेंगे इतनी देर में वो खाना बदोश ऊंट का मालिक दूसरी जानिब से ऊंट का बच्चा भी खेचता हुआ लाया और बी के सामने लाकर इसको खड़ा कर दिया नाना ने अब नूरबी और ऊंट के बच्चे की भी दोस्ती कराई मगर वो बच्चा भी इतना बड़ा था कि नूरबी की दोस्त गाय के बराबर अब नूरबी को समझ आया कि लोग घर में बकरियां और दुम्बे क्यों रखते हैं और ऊंट को रखना क्यों मुश्किल है ऊटने का बच्चा कुछ उदास लग रहा था तो ये देखकर नूरबी ने नाना से पूछा कि नाना ये इतना उदास क्यों है नाना ने बताया कि मेरी जान ऊंट का मालिक और ऊंटनी का दूध फरोख कर देता है इस पे पैसों से अपना घर बार चलता है लिहाजा इस बच्चे के हिस्से में बहुत कम दूध ही आता है ये बात सुनकर नूर भी उदास हो गई नूर भी को उदास देखकर नाना ने ऊंटनी के मालिक को पैसे देकर इसे सारा दूध खरीद लिया और ऊंटनी के मालिक से कहा कि ये सारा दूध इस बच्चे को पीने दें मालिक ने बच्चे को माँ के पास छोड़ दिया मासूम बच्चा जल्दी से माँ का दूध पीने लगा नूरबी की खुशी इसके चेहरे से वाज नजर आ रही थी और जब तक वो दूध पीता रहा, नूरबी देखती रही और पीठ पर हाथ फेरती रही। नाना और नूरबी जब ऊँट से मुलाकात करने के बाद घर वापस आए तो नूरबी खुशी और जज्बात से उछलती दूलती हुई अपनी मामा और नानी के पास भागी और दूर से ही शोर मचाने लगी मामा ऊंट से मिली वो इतना बड़ा होता है जैसे हाथी। नूरबी की खुशी और हैरानी देखकर मामा और नानी दोनों ही हंसने लगी मगर इससे पहले कि नूरबी कुछ और कहती मामा ने इसको दबोच कर उठा लिया इधर आओ तुम्हारा दूध तैयार है तुम दूध पिए बगैर क्यों भाग गई थी बाकी कहानी मुझे दूध पीने के बाद सुनाना ठीक है नूरबी ने दूध का आखोरा उठाया और जल्दी जल्दी इसको पीने लगी और नाना ने एक दफा फिर अपनी किताब उठाई और कुर्सी पर बैठ कर पढ़ने लगे समाज फरमाइए नाना और नूरबी नूर 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 का पाकिस्तान नानी नाना कहाँ है नूरबी ने सारे घर में नाना को तलाश करने के बाद नानी से सवाल किया जानू वो छत पर पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं नानी ने नूरबी के बालों की चुटिया बनाते हुए कहा ओ नूरबी मैं नाना के पास जाऊं और इजाजत मिलते ही जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच गई और सामने ही इसे नाना नजर आए जो एक लंबे से बांस को दीवार पर लगे लोहे के जंगले से बांध रहे थे कि जिसके एक सिरे पर पाकिस्तान का सबसे लाली परचम शानदार तरीके से लहरा रहा था नूरबी जाते ही नाना से लिपट गई और नखरे करते हुए शिकायत वाले अंदाज़ में कहने लगी, नाना आप कहाँ थे मैं आपको ढूंढते ढूंढते उदास हो गई थी ओ मेरी जान नाना ने झुककर नूरबी को गोद में उठा लिया और जोर से दबोचा फिर नीचे उतारते हुए बोले ये देखो जानू, नाना पाकिस्तान का झंडा घर की छत पर लगा रहे हैं ना अब नूर भी बहुत गौर से हवा में लहराते हुए सब हिलाली परचम को देख रही थी नाना मुझे भी अपना पाकिस्तान चाहिए नूरबी की ये बात सुनकर बेख्तियार नाना हंस पड़े और बोले हाँ। मेरी जान की टुकड़ी पाकिस्तान तो पहले ही आपका है हम सबका है अल्लाह जानों का तोहफा है हमारे लिए मगर मैं आपको भी पाकिस्तान का झंडा ला दूंगा नाना ने परचम की जानब इशारा करते हुए कहा यह सुनकर नूर भी खुश हो गई मगर साथ ही सवाल कर डाला कि नाना हम पाकिस्तान का झंडा क्यों लगाते हैं नूरबी की ये बात सुनकर नाना थोड़े संजीदा हो गए नूरबी को गोद में उठा लिया और बोले आओ नीचे चलें मैं आपको पाकिस्तान की कहानी सुनाता हूँ फिर आपको पता चलेगा कि हम इस झंडे से क्यों प्यार करते हैं नीचे पहुंच नाना नूरबी को लेकर अपने कुदब खाने में चले गए और किताबों के दरमियान से एक तह किया हुआ कागज का नक्शा निकाला और इसे मेज पर फैला दिया नूरबी खामोशी से नाना को ये सब करते हुए देख रही थी नक्शा मेज पर फैलाकर नाना ने नूरबी को कुर्सी पर बिठाया, समझाने लगे जानू ये देखो ये दुनिया का नक्शा है जिस दुनिया में हम रहते हैं इसमें बहुत सारे मुल्क हैं और ये बहुत बड़ा इलाका पूरा हिंदुस्तान था नाना ने नक्शे पर लगी मुख्तलिफ लकीरों पर उंगली फेरते हुए नूरबी को मुल्कों और उनकी सरहदों के बारे में बताया ये नूर बी के लिए एक नया मजमू था और वो बड़ी हैरत और तवज्जह से नक्शे पर बने रंग बिरंगे मुल्कों को समझने की कोशिश कर रही थी पहले ये पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के पास था मगर जब मुसलमानों ने अल्लाह जानू और हजूर अक्रम सल्ला वसलम के हुक्म को छोड़ दिया तो मुसलमान कमजोर हो गए और फिर अंग्रेज काफिरों ने मुसलमानों से ये पूरा मुल्क छीन लिया और मुसलमानों पर बहुत जुल्म किया हजारों लाखों मुसलमानों को मार दिया इनको अपना नौकर और गुलाम बना लिया पूरे मुल्क से दौलत चोरी करके कहते थे कि जब अंग्रेज चला जाए तो हम सब मुसलमानों को हिंदू बना लेंगे या मार देंगे जाहिर है कि अब ये मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक बात थी मुसलमान बहुत डरे हुए थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने आप को कैसे बचाएं और क्या करें नूर भी नक्शे को देखते हुए बहुत गौर और तवज्जा से ये दास्तान सुन रही थी फिर अल्लाह ने इलामा इकबाल को भेजा की जिन्होंने मुसलमानों को बताया कि हमें अपना अलग मुल्क बनाना है ताकि हम वहाँ पर अल्लाह जानू और हजूर अक्रम सल्ह वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और हिंदुओं से अलग हो जाएं। ये अलाम इकबाल नाना की बात सुनते ही नूरबी ने जोश से इकबाल की बड़ी सी तस्वीर की जानब इशारा किया जो नाना के कुतुब खाने की दीवार से लगी हुई थी जी मेरी जान रहमतुल्लाह अलैह हैं इनको अल्लाह जानो ने भेजा कि ये मुसलमानों को जमा करें और उनको बताएं कि हमने हिंदुओं और अंग्रेजों के साथ नहीं रहना और अपना अलग मुल्क बनाना है अलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फिर कायद आजम मोहम्मद अली जनाह से कहा कि आप उठें और मुसलमानों का अलग मुल्क बनाएं। सब मुसलमानों ने अलामा इकबाल रहमत और कायद अजम की बात सुनकर कहा कि हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे और इसका नाम होगा पाकिस्तान अब नूरबी के चेहरे पर खुशी के असरत वाज नजर आ रहे थे किस बात को समझ आने लगी थी फिर नाना ने एक दफ़ा फिर नक्शे की जानब इशारा किया और पेंसिल से निशान लगाकर नूरबी को बताया कि हिंदुस्तान के कौन से इलाके को अलग करके मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया आपको पता है जानू कि पाकिस्तान बनाते वक्त कितने मुसलमान शहीद हुए हिंदुओं ने और अंग्रेजों ने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था कितने छोटे छोटे बच्चे अपने मामा और बाबा से अलग हो गए थे कितनी प्यारी प्यारी बाजिया हिंदू उठा कर ले गए और कभी वो अपने मामा और बाबा के पास वापस नहीं आई नाना नूर भी को हिजरत की आजमाइश और तकालीफ के बारे में बताते हुए आपदीदा हो गए नाना की आंखों में आंसू देखकर नूर बेचैन हो गई और ये सुनकर भी कि पाकिस्तान बनाते वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों पर कितना जुल्म किया था और किस कदर कुर्बानियों के बाद अल्लाह ने मुसलमानों को अपना घर तोहफे में दिया नाना ने सामने रखी हुई अपनी टोपी उठाई जिसके माथे पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था और नूर बी को सब्ज हिलाली पर जम दिखाते हुए सवाल किया अब आपको पता चला कि नाना क्यों पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं और ये झंडा इतना कीमती क्यों है और हम इसको हर वक्त अपने सीने पर अपनी गाड़ी पर और अपने घर पर क्यों लगाए रखते हैं अब नूरबी की आंखों में भी मोती जैसे आंसू झिलमिला रहे थे अब इसको एहसास हो रहा था कि कितने ज्यादा मासूम बच्चे इस परचम की खातिर कुर्बान हो गए नाना ने दास्तान जारी रखी आपको पता है नूरबी कि नाना के मामा और बाबा भी हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आए थे और रास्ते में हिंदुओं ने उन्हें बहुत तंग किया था इसीलिए नाना के बाबा पाकिस्तान आकर फौजी बन गए थे ताकि इस पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें क्योंकि जो भारत के हिंदू हैं इनको पाकिस्तान बहुत बुरा लगता है और वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहते हैं इसलिए बार बार पाकिस्तान पर हमले करते रहते हैं नाना ने नक्शे पर भारत और पाकिस्तान का फर्क नूरबी को वाजे किया नाना क्या इसीलिए आपने अपनी राइफल रखी हुई है पाकिस्तान को बचाएं? क्या आपने पाकिस्तान को बचाने के लिए राइफल रखी है नूरबी को जैसे एक नई बात समझ आ गई जी मेरी जान और इसीलिए आपके उसामा मामू भी फौज में गए हैं ताकि वो भी पाकिस्तान और इस सब से लाली परचम की हिफाजत करें ये पाकिस्तान हमें हजूर अक्रम सल वसलम ने तोहफे के तौर पर दिया है तोहफे के तौर पर दिया है ना आप समझ रही हैं और जो कोई भी हजूर अक्रम सल्ला वसल्लम से प्यार करता है वो पाकिस्तान से भी प्यार करता है और जो कोई भी नबी पाक वसल्लम का दुश्मन है वो इस प्यारे से पाकिस्तान का भी दुश्मन है नाना ये कहते हुए पाकिस्तान के सब्ज हलाली परचम को बोसा दिया नाना को देख कर बी ने भी सब्ज हलाली परचम को जोर से प्यार किया और सीने से लगाया और बोली नाना मैं भी फौजी बनूंगी और पाकिस्तान की हिफाजत करूंगी आप मुझे अपनी राइफल देंगे ना नाना ने यह सुनकर नूरबी को जोर से सीने से लगाया और प्यार करते हुए बोली, मेरी शहजादी! हर वो शख्स जो अलाम से, से प्यार करता है और पाकिस्तान की यहाँ और यहाँ पर रहने वालों की खिदमत करता है वो पाकिस्तान की हिफाजत ही कर रहा है चाहे ताजिर हो डॉक्टर हो या सिपाही ये सब पाकिस्तान के मुहाफिज हैं आप बड़े होकर कुछ भी करें इन प्यारे से पाकिस्तान की हिफाजत ही करेंगी अभी आपने इल्म हासिल करना है अच्छा बच्चा बनना है अच्छा मुसलमान बनना है और सारे काम सीखने हैं कि जिनकी पाकिस्तान को जरूरत है जी नाना ना। अब नूरबी को बात समझ में आ गई थी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी पाकिस्तान की हिफाजत करूंगी अब नाना ने नूरबी का हाथ पकड़ा और बोले चलो आओ मेरे साथ हमने छत पर झंडा तो लगा लिया है अब हमें गाड़ी पर भी तो लगाना है नाना ने हाथ में एक छोटा सा झंडा उठाया और दोनों बाहर की जानिब चल दिए नाना मुझे भी अपना झंडा चाहिए मैंने भी अपनी साइकिल पर लगाना है बी ने चहकते हुए नाना से फरमाइश की थोड़ी ही देर बाद बी के हाथ में एक छोटा सा सब हिलाली परचम था जिसे वो लेते हुए उछलती कूदती मामा और नानी के पास भागी आई और जोर से नारा लगाकर बोली पाकिस्तान जिंदाबाद प्यारे बच्चों अगर आपको ये किताब पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर ज्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें